तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टीव और हीरो ब्रायन अपने दोस्त जिन को बचाने के लिए होला लाला की बेस में जा ही रहे थे कि इतने में नल और एंटिटी 303 और उसका भाई एंटिटी 606 आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग होगा लाला को ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि होगा लाला को तो हीरो ब्रायन ने ट्रैप कर रखा है। और फिर नल उन सभी को लेके नेदर पोर्टल में चला गया था, क्योंकि वो लोग अपनी पावर से ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर होगा लाला कहां पे चला गया। लेकिन इतने में हीरो ब्रायन और स्टीव होला लाला की बेस में अपने दोस्त जिन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो गाइस, अभी तो हम लोग जिन को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह पे हैं। लेकिन एक मिनट, होगा लाला, हीरो ब्रायन तैयार हो जाओ, होगा लाला यहाँ पे है। लगता है उसको शक हो चुका है कि कोई यहाँ पे है। अगर उसको पता चल गया ना तो पता नहीं वो जिन के साथ क्या करेगा। थोड़ा आगे हो जाओ, शोर बिल्कुल भी मत करना। मुझे लगता है कि वो इधर ही देख रहा है और वो हमारी तरफ आएगा। हीरो ब्रायन पीछे भाग जाओ, जल्दी करो, वो हमारी तरफ आ रहे। ओह माय गॉड गाइस, हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ओह वो रहा, वो रहा, हीरो ब्रायन कहाँ पे गया? अगर इसने देख लिया ना हीरो ब्रायन को, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हीरो ब्रायन को भी गुस्सा। हीरो ब्रायन, ओह हीरो ब्रायन, ये कैसे किया तुमने? ये तो स्पाइडरमैन करता था, और कहीं उसने देखा तो नहीं? अब चला गया, नीचे आ जाओ। भाई साहब, हीरो ब्रायन ने तो कमाल कर दिया। मैं पहली बार देख रहा हूँ हीरो ब्रायन की ऐसी पावर। लेकिन गाइस, हमें कैसे भी करके जल्दी से जिन को खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर होला लाला को गुस्सा आ गया, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में वो हमारे दोस्त जिन को मार दे, क्योंकि उसके भाई होगा लाला को हमने ट्रैप कर रखा है और वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या होगा लाला और होला लाला के पापा भी हैं? आप लोग कॉमेंट में बताते हो कि अगर हीरो ब्रायन ने होगा लाला को मारा तो होगा लाला का पापा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में बताना, और वो कहां पे रहते हैं ये भी बताना। हीरो ब्रायन, ये बिल्कुल वैसी जगह है ना जब मैं होगा लाला की बेस में ट्रैप हो चुका था और तुम और जिन ने टाइम पे आके मुझे बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर दो दरवाजे हैं, पता नहीं अब जिन किसके अंदर होगा और वो किस हाल में होगा। हीरो ब्रायन थोड़ा पीछे हटो, पीछे आराम से, शोर मत करना। गाइस, मुझे लगता है कि पहले हमें जल्दी से यहाँ पर चल के देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो दरवाजा है उसके आगे रेड बीम लाइन लगी हुई है, और अगर हम इनको टच हुए तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हीरो ब्रायन, क्या तुम्हें लगता है कि जिन यहाँ पे हो सकता है? ओ गाइस, हीरो ब्रायन का मानना है कि जिन यहाँ पर होगा। ओके हीरो ब्रायन, एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूँ कि देख के आता हूँ कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। बस एक बार हमारा दोस्त जिन कैसे भी करके हमें मिल जाए, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हम अपना न्यू घर बनाएंगे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन एक मिनट गाइस, ये क्या है? इतना सारा रेड स्टोन और यहाँ पे कुछ बटन्स भी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। और यहाँ पर एक लीवर और साइन बोर्ड भी। ओ 666646, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ये नल की तो प्लानिंग नहीं? एक मिनट, यहाँ पर एक लीवर भी है, इसको दबाऊं। ओ ये कैसी आवाज आई? एक मिनट, हीरो ब्रायन क्या हुआ? ओ यहाँ पर रेड बीम से बंद हो चुकी है इसका हीरो ब्रायन, इधर आओ, इसका मतलब वो लीवर इनको बंद करने के लिए था। अब मुझे लगता है कि हम सामने वाले डोर में जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही बंदा जा सकता है, क्योंकि अगर हम दोनों जाएंगे तो होला लाला यहाँ पे आएगा तो रेड बीम्स बंद होंगी और उसको पता चल जाएगा कि कोई अंदर गया था। हीरो ब्रायन, इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ जिन को ढूंढने के लिए, और तुम जाके इस वाले रूम में वो लीवर दबा दो ताकि वापस से ये रेड बीम्स एक्टिवेट हो जाए, जैसा कि हमने पहले किया था होगा लाला की बेस में। और तुम इधर उधर चुप जाना और होला लाला पे नजर रखना। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकॉन प्रेस नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। और फाइनली हीरो ब्रायन ने लीवर को दबा दिया, और अब चलते हैं अंदर। ओह ये क्या है? एक मिनट, ये कितने खतरनाक दरिंदे हैं यहाँ पे, और किसने यहाँ पर रखे होंगे? ये तो स्केलेटन की। एक मिनट, यहाँ पर ये क्या चीज है? ओ माय गॉड गाइस, ये जगह मेरे को बहुत ही खतरनाक लगती है। मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन मेरे पास शॉट बहुत ही अच्छी है। एक मिनट, आगे चल के देखते हैं, यहाँ पर ये वाली जेल टूट। ओ ये नल 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 ये क्या हुआ? ओ ये तो नल की तरह है ना, नल है ये, कौन है? ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ये अंधेरा क्यों हो गया?
लगता है इसने मुझे देख लिया। लेकिन ये कौन है? बिल्कुल नल की तरह दिखता है, और इसको कैद क्यों कर रखा है? भाई साहब आगे की तरफ भागो अभी तो। एक मिनट, ये कैसी जगह है और ये मैं कहाँ पे आ गया? मुझे लगता है हीरो बहन को साथ लेके आना चाहिए था मुझे। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक दरवाजा रूम की टाइप है, और अंदर चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है। ओह, यहाँ पर भी कुछ सामान है, लेकिन किसका और क्यों रखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये होला लाला की पावर सिस्टम हो और उसकी सारी पावर्स यहीं से ऑपरेट होती हों? मुझे तो बहुत ही खतरनाक काम लग रहा है। और दूसरी तरफ भी एक रूम है, पता नहीं अंदर क्या है, और पता नहीं ये दरवाज़ा अब कैसे ओपन होगा। मुझे तो ऑटोमेटिक लग रहा है अंदर रास्ता। ओह, इसका पासवर्ड है कीपैड डोर। अब क्या होगा पासवर्ड? 1 2 3 6 4। नहीं, ये पासवर्ड गलत है, रॉन्ग। अब इसका पासवर्ड मैं कहाँ से लाऊं? जल्दी करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसी रूम के अंदर उसको रखा हो हमारे दोस्त जिन को। एक मिनट, अभी हमने कुछ देखा था ना 4 6 6 6 6, तो वो वाला डाल के देखते हैं, शायद वो पासवर्ड हो इस। ओह, काम कर गया। ओ माई गॉड, एक ओ ये बंद हो। एक मिनट, आगे चल के देखते हैं कि आखिर क्या है। वैसे ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह गाइस, मैं नीचे गिर गया। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ पे आ गया? और इतने सारे ज़ॉम्बीज, और ज़ॉम्बीज की आंखें हीरो ब्रेन से मिलती हैं, मतलब वाइट। लेकिन ये क्या, ये मैं कैसे यहाँ पे निकलूँ? ओह माय गॉड, लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है। हीरो ब्रेन, हीरो ब्रेन। ओह, बच गए। भाई साहब, कितनी खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं, और ऐसा लगता है काफी सालों से भूखे पड़े हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये वाला देखो, इसकी आईज हीरो ब्रेन के जैसे वाइट ग्लो करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हीरो ब्रेन की हो? नहीं, हीरो ब्रेन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। और ये लेकिन इनकी आंखें, ओ यहाँ पर कुछ बुक। ओ माई गॉड, लगता है ये बुक कोई राज है। एक मिनट, पहले तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डट के ब्लॉक दो बच्चे हैं, और अब मैं यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकता। और पूरा बेडरॉक है, मतलब बेडरॉक के पूरे ब्लॉक लगे हैं, बेडरॉक को मैं तोड़ भी नहीं सकता। मैं करूँ तो क्या करूँ? हीरो ब्राइन आ जाए ना काश, लेकिन वो कैसे आएगा? एक मिनट, मुझे लगता है कि सबसे पहले इन सभी को मारना होगा हमें, और दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मेरे पास शॉर्ट दूसरी भी है, एक मिनट उसको चला के देखता हूँ मैं। एकदम अच्छा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मर गए थे उस धमाके से, क्योंकि मेरी दूसरी जो शॉर्ट है ना, वो बहुत ही बड़ा धमाका करती है। और एक मिनट, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर एक बुक टाइप कुछ लग रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा? क्योंकि ऊपर काफ़ी ऊंचा रास्ता है, और यहाँ पर पूरा बेडरॉक है। एक काम करते हैं, इस बुक को उठा के देखते हैं कि शायद यहाँ से हमें कुछ पता चले। ओह, मैजिकल बुक। इस बुक का नाम है मैजिकल बुक और माइंडिंग। ये क्या हो सकता है, मैजिकल बुक? लेकिन गाइस, मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रही है, इस बुक को मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। एक मिनट, ये सारे ब्लॉक मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ। अगर ये सारे ब्लॉक भी मेरे पास हों, तो फिर भी मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लॉक थोड़े हैं। एक मिनट, इस बुक को खोल के देखते हैं कि आखिर इसके, ये क्या मैजिकल बुक, और ये खाली क्यों है? इसका मतलब ये, मतलब किसकी हो सकती है, और ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ? कहाँ होगा हमारा प्यारा दोस्त जिन? और इस बुक का भी कोई पता नहीं चल रहा मुझे। ओह, ये क्या, जिन रूम 620 में है। ये क्या, अभी आप लोगों ने देखा था ना कि इस बुक के अंदर कुछ नहीं था, मैजिकल। ओह, अब मुझे पता चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था ना कि पता नहीं हमारा दोस्त जिन कहाँ पे होगा, और उसका जवाब इस बुक ने दिया। इसका मतलब ये बुक हमें कुछ भी बता सकती है, मैजिकल बुक। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तो बहुत ही बढ़िया बुक है, और इसकी मदद से क्या हम हीरो ब्राइन की हिस्ट्री का भी पता लगा पाएंगे, कि उसका कोई भाई भी है क्या? ओह, लेकिन यहाँ पर एक लीवर भी है। एक मिनट, लगता है कि यहाँ पर इस लीवर को दबाने से कुछ हो सकता है क्या? दबाऊं क्या? एक मिनट, दबा के देखते हैं। ओह, ये वाटर, पानी कहाँ से आया? ओ माई गॉड, लगता है कि ये इस लीवर को दबाने की वजह से हुआ है। लेकिन एक प्लान है, जैसे ही हमें मौका मिल चुका है, तो हम इस पानी की मदद से ऊपर चल के देखते हैं। ओके, ये प्लान हमारा कामयाब हो चुका है, और बुक भी हमें मिल चुकी है। ओ माई गॉड,
लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा प्यारा दोस्त जिन यहाँ पे नहीं है। अब क्या करें, 620 रूम को ढूंढना है, क्योंकि इस बुक में जिन 620 रूम में है। ओके, 620 रूम पता नहीं कहाँ पे होगा, चल के देखते हैं। ओके, कोई है क्या यहाँ पे? लेकिन एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी सारा लावा। लगता है ये पार्कोर पार करके हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो वाला रूम जो उस बुक ने हमें बताया है 620, वो इसी तरफ हो। और किसी भी हाल में मैं अपने दोस्त जिन को खोना नहीं चाहता। लेकिन एक मिनट, ये क्या, संजीव और वो भी दो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अब इस सामने वाले दरवाजे के अंदर होंगे क्या ये संजीव? ये तो गाइस बहुत ही खतरनाक काम हो गया। हीरो ब्राइन काश हमारे साथ होता, लेकिन मुझे जाके देखना होगा, क्योंकि इस बार मेरे दोस्त जिन की जान का सवाल है। और अंदर चल के देख, ओह ये तो पूरी की पूरी आर्मी है संजीव की, और इतनी सारी आर्मी, भाई साहब अब क्या होगा, मैं पूरी तरीके से घिर चुका हूँ, और यहाँ पर दो संजीव बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, अब मुझे लगता है कि मेरा बचना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। जिन हीरो ब्राइन गाइस, मुझे कैसे भी करके अपनी कोशिश करके जान बचा के हीरो ब्राइन तक पहुँचना होगा, क्योंकि इस आर्मी का मुकाबला एक ही शक्ति कर सकती है, और उसका नाम है हीरो ब्राइन। और फाइनली मैं यहाँ से निकल गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या हो चुकी है। और वो देखो संजीव मेरे ऊपर हमले कर रहा था, दो संजीव हैं भाई साहब। चलो जल्दी से चलते हैं, हीरो ब्राइन को चल के बताते हैं, क्योंकि इनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हीरो ब्राइन मेरे, हीरो ब्राइन अच्छा हुआ कि तुम आ गए, लेकिन तुम कैसे आए यहाँ पर? चलो छोड़ो, हीरो ब्राइन जिन का पता चल चुका है, मुझे यहाँ से एक बुक मिली और 620 रूम में है जिन, लेकिन यहाँ पर पूरी आर्मी है, दो संचीफ हैं, और वो मुझे मार रहे थे। ओहो हीरो ब्राइन डुकर, मुझे भी साथ लेके चलो। ओ माय गॉड, हीरो ब्राइन को गुस्सा आ गया, और वो तो पहुंच भी गए हैं यहाँ पे, हमें भी जल्दी चलना होगा। और फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं। हीरो ब्राइन संभल के, ये बहुत सारे और दो संचीफ हैं, तुम आराम से। एक मिनट, मैं इनको मार तो रहा हूँ, लेकिन इनका डैमेज मेरे ऊपर ज्यादा हो रहा है। और हीरो ब्राइन के पास जो लाइटिंग सॉर्ड है ना, वो बहुत खतरनाक है। हीरो ब्राइन अपनी लाइटिंग पावर से मारो, क्योंकि संचीफ मेरे को डैमेज दे रहे हैं। एक मिनट, हीरो ब्राइन ने मार तो दिया सभी को, और इधर से मेरे पास भी सॉर्ड अच्छी है। मुझे लगता है कि हम इसकी आर्मी को तो मार दिया, लेकिन ये संचीफ कैसे मरेंगे दो? कितनी खतरनाक आर्मी है ना होला लाला की, इतनी तो होगा लाला की भी आर्मी नहीं थी। लेकिन पता नहीं, ओ हीरो ब्राइन अपनी लाइटिंग पावर यूज कर रहा है, लगता है अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन मेरी हेल्थ भी जा रही है। एक मिनट, थोड़ा खाना खा लेते हैं, खाना भी खत्म होने वाला है, हमें कैसे भी करके जल्दी इनको खत्म करना होगा और अपने दोस्त जिन को खोजना होगा। और उसके बाद हीरो ब्राइन बताएगा एंटिटी 606 और उसके भाई एंटिटी 303 को। लेकिन हीरो ब्राइन एक संचीफ के ऊपर हमले कर रहा है बार बार, मुझे लगता है कि हीरो ब्राइन उसको मार देगा, क्योंकि उसकी हेल्थ तेजी से जा रही है। और वो हीरो ब्राइन के ऊपर उसने अटैक करा, वो बच के हीरो ब्राइन बच के, कहीं हीरो ब्राइन, क्योंकि इसकी लाइटिंग पावर भी बहुत खतरनाक होती है संचीफ की। और फाइनली एक संचीव को हीरो ब्राइन ने मार दिया। एक मिनट, अब दूसरे को लगता है मुझे मारना पड़ेगा। हीरो ब्राइन छोड़ो, इसको मारो। ओ माय गॉड, लगता है ये अपनी हेल्थ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जो सॉर्ड है ना, ये भी काफी खतरनाक है, क्योंकि इसका अटैक डैमेज 40 है। और एक मिनट, हीरो ब्राइन ने एक लाइटिंग पावर मार ली, क्योंकि वो मेरे को भी मार रहा था, और ऊपर से हीरो ब्राइन ने अपनी लाइटिंग गिराई और वो ढेर हो गया। फाइनली यहाँ पर भी एक दरवाजा है। एक मिनट, रूम 620, ये तो वही नंबर है ना जो हमें इस बुक से पता चला था। इसका मतलब जिन, हीरो ब्राइन जल्दी से नीचे आ जाओ, जिन मिल गया। हीरो ब्राइन जल्दी आओ, जल्दी, ये तुम क्या कर रहे थे? अंदर चल के देखते हैं। मेरे को गाइस बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि इस बार जिन को लेके सीधा हम काफी दूर जाएंगे और अपना न्यू घर बनाएंगे, और फिर पता चलेगा होला लाला और होगा लाला का। होगा लाला तो बेचारा ट्रैप हुआ पड़ा है कहीं। हीरो ब्राइन ये क्या है? अंदर आओ हीरो ब्राइन, ये क्या है, इतनी सारी मुंडियां किसी ने रखी होंगी यहाँ पे? लेकिन मेरे को ये मुंडियां नहीं लग रही, ये मेरे को मुखौटे लग रहे हैं, पता नहीं। लेकिन हीरो ब्राइन, ये हमारा दोस्त जिन कहाँ पे है? यहाँ पर तो जिन भी नहीं है बेचारा, और तुम्हारे जैसे दिखने वाली मुंडी यहाँ पर, ये देखो
लगता है हीरो ब्रायन को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि किसी ने उसकी नकल उतारी है। ओ माय गॉड। लेकिन हमारा दोस्त, एक मिनट, यहाँ पर एक मैप टाइप कुछ है, सीक्रेट, ये क्या हो सकता है? यहाँ पर एक लोकेशन है, एक मिनट, लेकिन हमारा दोस्त जिन कहाँ पे है? उस बुक में 620 रूम में जिन ऐसा लिखा था ना कुछ, और यहाँ पर हमें एक मैप मिलता है जिसके अंदर एक लोकेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लोकेशन पे होला लला ने हमारे दोस्त जिन को ट्रैप कर रखा हो? चलो चलो हीरो ब्रायन, मुझे लगता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि जब हम लोग उसे मिलेंगे वो हमसे डील करेगा। वो कहेगा कि तुम मेरे भाई होगा लला को छोड़ो और मैं तुम्हारे दोस्त जिन को छोड़ूंगा। लेकिन अब हम होगा लला को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि होगा लला के पापा जिंदा है कॉमेंट में बता